अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी क्लास का बच्चा कौन है? आप कौन सी क्लास में बेटा? तीन में हो। और आप बेटा? बैठ जाओ। थ्री में हो? थ्री थ्री थर्ड थर्ड। और कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? बाबू कौन सी क्लास में हो? फोर में। तो आप बड़े हुए ना। और फोर से बड़ा कोई है? सिक्स में हो आप? सिक्स में हो। वेरी गुड। आज हम बात करेंगे अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। क्या किसके बारे में बात करेंगे? वेरी गुड। स्पर्श समझते हो क्या होता है? बताओ। हाँ बोला बाबू। हाँ बोलो। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श किसी को छूना, किसी को किसी चीज को छूना। स्पर्श मतलब छूना। हाँ आप किसको छूते हो? अपने हाथों पे से छुओ। देखो दो हाथों को छुओ। ये स्पर्श हो रहा। और क्या स्पर्श होता है? अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। ये अच्छा स्पर्श होता। किसी का पैर छूते हैं हम लोग? पैर छूते हैं तो स्पर्श होता है ना? किसका पैर को छूते हैं ना तब? और कैसे स्पर्श होता है? जब हम किसी से शेक हैंड करते हैं वो क्या होता है? स्पर्श होता है। और जब हम दोस्ती में एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के बातें करते हो घूमते हैं ऐसे कंधे पे हाथ डाल के घूमते हैं ना? कितने लोग घूमते हो? कितने दोस्त घूमते हैं? देखो ये दोनों दोस्त सही घूमते होंगे है ना? घूमते हो ना कभी कभी? तो वो भी क्या कहलाता है? स्पर्श। वेरी गुड। और क्या स्पर्श हो सकता है? किसी के पीठ को जब पाते थे एक इंसान दूसरे इंसान को जब छूता तो क्या कहलाता है? स्पर्श। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श को। वेरी गुड। टच क्या बोलते हैं? ताली बजाओ दीदी के लिए। वेरी गुड। देखो दो बड़ी दीदी आ गई, इनके लिए भी ताली बजाओ। बैठो बेटा बैठो। तो जो बड़ी दीदियां इनकी जिम्मेदारी है आप जो चीज सीखोगी ना अपने छोटे भाई बहन को भी सिखाओगे। ठीक है तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लोग अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श। आपको मालूम है कुछ इसके बारे में? अच्छा स्पर्श क्या होता है? बुरा स्पर्श क्या होता है? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? नाइन्थ में। वेरी गुड। और आप बेटा? आप दोनों लोग सहेली है। वेरी गुड। तो ये दीदी लोग नाइन्थ क्लास में। स्पर्श मतलब समझ में आता है क्या होता है? किसी को छूना क्या कहलाता है? इंग्लिश में उसे बोलते हैं टच। तो हम लोग बात करेंगे अच्छे टच को और बुरे टच। बीच में जगह खाली, यानी गुड टच बैड टच। अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श है ना? और दोनों का डिफरेंस जानेंगे है ना? हम लोग दिन में कितनी बार सबको स्पर्श करते हैं? सुबह से शाम तक हम हर किसी को स्पर्श करते हैं ना? मम्मी पापा को, भाई बहन को, दोस्तों को छूते हैं ना? और कई बार हम अच्छी नीयत से छूते हैं और कई बार बुरे नियत से। कई लोग ऐसे छूटे हैं, ये घुटना ऐसे लेके मारते ठंड कह के, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा खेल की बोलते हैं? बहुत दर्द होता है ऐसे, कमरी ऐसे दर्द होता है, अरे मार दे है ना? होता है ना? अच्छा तो अच्छा स्पर्श और बुरे स्पर्श का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा स्पर्श पहले तो अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है? कोई भी चीज जो हमें खुशी दे, क्या दे? और बड़ा अच्छा लगे लोगों को बताने में कि आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे किसी ने आपको शाबाशी दी, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाशी कैसे देता है? पीठ थपथपा के। तो बड़ी अंदर से खुशी आती है और जाके हम किसको बताते हैं सबसे पहले? वेरी गुड। किसको? अपने माता पिता को बताते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं, या घर में जो बड़े बुजुर्ग पहला मिल गया दादा दादी उसको जाके बताते हैं कि आज मुझे टीचर ने शाबाशी दी, आज ट्यूशन वाले सर ने शाबाशी दी, या फिर रास्ते में मैंने बहुत अच्छा काम किया उसने मुझे शाबाशी दी। तो हम बताते हैं गर्व फील होता है। और बुरा क्या होता है? अगर गए किसी ने डांट दिया, क्या किया? या कहीं आपको लगा कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, या आपको लगता है कि मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, अगर किसी को बताऊंगा तो मेरे बारे में गलत सोचेगा, और आपको डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है कि कहीं मेरे को झूठा ना बोल दे, या फिर आप समाज को बताने से डरते हो, माँ बाप को बताने से डरते हो, भाई बहन को बताने से डरते हो, ऐसा चीज क्या कहलाता है?
और वो दिमाग में आपके घूमता रहता है, क्या करता है? आपको शर्म आती है, घबराहट होती है, ऐसी चीजें क्या कहलाती है? बुरा। क्या कहलाता है? अच्छा क्या होता है? जहां पे हमें खुशी मिलती है। अच्छा तो मैं आगे और बढ़ू, इससे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हो? अरे कोनो बात नहीं, आने दे, आ जाओ, वहाँ खाली जगह है, आगे बढ़ जाओ, वहाँ खाली जगह है, जाइए। मेरे बारे में जानना चाहोगे? कितने लोग? बस दो लोग, तीन चार, बाकी लोग नहीं? भाई लोकतंत्र है, फिर तो नहीं बताएंगे, फिर आखिरी में बताएंगे, फिर कहानी खत्म कर लेते पूरी। जब सब लोग जान जाएंगे कि कुछ बताना चाहिए तब बताऊंगा, है ना? तो आप लोग अपना परिचय दोगे? कितने लोग अपना नाम खुद बोल सकते हैं? अपना नाम कौन कौन जानता है? ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बाबू आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर में। वेरी गुड, करण के लिए ताली बजाओ। क्या नाम है बेटा आपका? बीच में बैठ गई है, रिया। वेरी गुड, रिया के लिए ताली बजाओ। बाबू ताली बजाओ। आपका क्या नाम है बेटा? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाए। वो बाबू का क्या नाम है? क्या नाम है बाबू आपका? धीरज। उनका नाम क्या बेटी का? गीता। वेरी गुड, आप शाबाश। देखो ये बाबू बहुत अच्छा ताली बजाता है, आप लोग ताली बजाते रहना। क्या नाम बाबू आपका? आपका आपका जोर से बोलो। नीरज। आपका? पुष्पा। आपका बेटा? नहीं नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। करिश्मा। वेरी गुड, संगम। वेरी गुड, क्या नाम बेटा आपका? नीशु। आपका? राधिका। वेरी गुड, आपका बताओ बेटा पीछे वाले। परी। परी, वेरी गुड। आपका क्या नाम बेटा? उजाला। आपका नाम क्या है? आराधना। बाबू आपका नाम क्या है? शुभम। वेरी गुड, अरे ये बाबू का क्या नाम है? लाडो। आपका नाम बताओ। वेरी गुड, आपका? आपका 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 कृष्णा। वेरी गुड, आपका? मनी। आपका? निकी। आपका? सरिता। आपका? आपका 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 बाबू आपका? वेरी गुड, आपका? और आपका? अब सारे बच्चों का नाम हमने जान लिया, सब लोग अपने इसमें ताली बजा लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। क्या नाम है? मेरी आवाज ऊंची है आप लोगों से सुना? आप लोग कितना धीरे बोल रहे थे, डर रहे थे मुझसे? मैं डरावना दिख रहा था क्या? सिंह दिख रहे थे या यहाँ पे कोई ऐसे लाल रंग की लाइट जल रही है? नहीं ना, मुझसे डरना नहीं है, मैं आप लोगों का दोस्त भी हूँ, भाई भी बोल सकते हो, या फिर जो आप समझ सकते हैं, जो अच्छा नाम दे सकते हैं, है ना? भैया बोलो, चाचा बोलो। वेरी गुड, तो अभी आप लोगों को स्पर्श का मतलब चला गया, पता चल गया, और अच्छे और बुरे का मतलब। अच्छा क्या होता है? वेरी गुड, जिसे हमें बताने में गर्व फील होता हो, हमें डर नहीं लगता हो, है ना, वो हमारे लिए अच्छा है, बहुत खुशी देता है। लेकिन जो चीज हमें डराता है, जो चीज हमारे मन में दबाने को बोलता है और हमें शर्म आती है बताते हुए, जिसको हम चार लोगों के सामने बोल नहीं सकते, जिसे हम अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते, या फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी आलोचना करेगा या कोई हमें झूठा बोलेगा, ऐसी चीज क्या होती है? बुरा होता है। वो दिमाग में घुमा, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, वो बुरा चीज है। क्या वो? वेरी गुड, वो क्या चीज है? ठीक है, तो स्पर्श का मतलब और अच्छे और बुरे का मतलब आपको पता चल गया। अब आपके सबसे नजदीक में कौन है? सबसे पहला प्यार कौन करता है आपको बचपन से? कौन?
माता पिता, माता पिता हमारे कपड़े चेंज करते थे बचपन में हमारे ये बाबू कंटिन्यू ताली बजाता, वेरी गुड। हमारे कपड़े चेंज करते हैं, हम जब बीमार होते तो हमारा ख्याल रखते हैं, है ना, और हमारे पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, है ना। बच्चों बढ़िया से सुनो, ताली बंद कर दो, वेरी गुड। तो मम्मी पापा के पास जाते हैं ना जब भूख लगती है, जब डर लगता है ना, और जब बीमार होते तो कौन होते हैं? मम्मी पापा। ये हमारे सबसे नजदीक होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, सबसे नजदीक, वेरी गुड। तो मम्मी पापा हमारे सबसे नजदीक चीज होते हैं और इनके साथ हमें कोई चीज नहीं छुपाना, हमेशा हमें इनको हर बात बताना चाहिए। कोई भी चीज आपके और माँ बाप के बीच में सीक्रेट नहीं होना चाहिए, बोलते ना किसी को बताना मत। कितने लोग सुनते हैं ऐसा, देखा सबको देखा को बताइए मत, ऐसा जब बोले तब तो पक्का किसको बताना है? मम्मी पापा। किसको बताना है? मम्मी पापा। मम्मी पापा को, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं? जब कुत्ते को पकड़ते तो कुत्ता करता है, रुकता है कि भागता है? भाग जाता है। अच्छा कितने लोग तितली पकड़ते हैं? तितली तितली रंग बिरंगी तितली कितने लोग पकड़ने की कोशिश किया आज तक? किसी ने? जब उसको पकड़ने जाते तो क्या करता है? वो फड़ उड़ जाता है। जरा उड़ा के दिखाओ तितली कैसे उड़ती है। उड़ती है, फिर से उड़ाओ। क्या, वेरी गुड। और जब हम जुल्हा पकड़ते तो वो भी उड़ जाता है। देखो बच्चों, जानवरों को भी पता है कि उनको कोई छुए बोल के उनको पसंद नहीं, कोई उनको स्पर्श करे बोल के उनको पसंद नहीं, और वो उसका विरोध कैसे करते हैं? वो भाग जाते हैं। क्या करते हैं? भाग जाते हैं। या फिर वो भौंकते हैं। जैसे कुत्ते को भी पता है कि उसकी बॉडी को कोई उसके परमिशन के बिना और उसको छूना पसंद नहीं है। अच्छा तो ये शरीर किसका है? मेरा। ये मेरा है। क्या बोला? आपका। ये मेरा है। आपका शरीर कौन सा है? मेरा शरीर। आपका शरीर का है? आपका अपना शरीर। ये आपका अपना शरीर है ना? ये शरीर किसका है? आपका अपना, मेरा शरीर है। वेरी गुड। ये किसका शरीर है? अलग। आपका शरीर कौन सा है? मेरा शरीर। आपका शरीर है ना ये कौन सा शरीर है? मेरा है। इस शरीर में क्या क्या है देखो, और ये क्या है? नोज, नाक, वेरी गुड। और ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? लिप्स, ओठ, वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं? और ये क्या है? ये क्या है? क्या है? कंधा, शोल्डर। कंफ्यूजन हो रहा है। कंधा है, कोई बात नहीं। और ये क्या कहलाता है? ये बताओ, सबको बताओ। पेट, भूख लगती है। और ये क्या है? छाती। ये क्या है? जांग, जांग। और ये क्या है? पैर। और ये क्या है? फुट, फुट, पैर। भागोगे? कितने लोग भागते हो? कितने लोग भागते हैं जब मम्मी पकड़ती है? ऐ शाबाश, ताली बजाओ। वेरी गुड। तो जैसे जानवरों और कीटों को पता है कि उनको छूना उनको पसंद नहीं है, तो ऐसे ही ये शरीर मेरा अपना है और कोई मेरे परमिशन के बिना इसको नहीं, इस शरीर को बिना मेरे परमिशन के कोई नहीं। आपका भी शरीर आपके परमिशन के बिना कोई, आपका शरीर है उसको बिना परमिशन के कोई नहीं, परमिशन समझते हो क्या होता है? हाँ क्या बेटा? आज्ञा लेना, पूछना, परमिशन होता है। यानी आपकी मर्जी के बिना कोई आपके शरीर को कौन छू सकता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा कौन छू सकता है? मम्मी पापा आपके शरीर को छू सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं छू सकता। देखो उसका पैसा वहां पे गिरा, वो देखो बाबू, दे दो पैसा, दे दो। अब उसको फेंकना नहीं, वरना मैं रख लूंगा, मैं पैसे रख लूंगा तुम्हारे। तो आपका शरीर बिना आपके परमिशन के कोई नहीं छू सकता। अगर कोई छू सकता है तो वो कौन छू सकता है? मम्मी पापा। और तीसरा व्यक्ति कौन है? डॉक्टर। कौन? जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर, चल
डॉक्टर छू सकता है, कौन छू सकता है? डॉक्टर। और डॉक्टर भी कब? जब बीमार है। वेरी गुड, दीदी के लिए ताली बजाओ। अभी टॉफी मिलेगी, अभी टॉफी मिलेगी, रो मत बच्चों। चलो हम बच्चे बता, अभी टॉफी मिलेगी। तो डॉक्टर छू सकता है, वो भी कब? जब मम्मी पापा में से कोई एक वहाँ पे रहेगा, तभी वो एग्जामिन कर सकता है। लेकिन जैसे आप बड़ी बच्ची हो, मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी मम्मी पापा नहीं है, तब क्या करेंगे? तब एक लेडी नर्स होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? कौन होनी चाहिए? वेरी गुड, उसकी देख रेख में ही आप छू सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, हमारा जो शरीर है, जब हम किसी को बोलते हैं छूने के लिए, तो कई बार हमें बिना बोले बोलना पड़ता है, और कई लोग अनजाने में छूते हैं। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने टच कर दिया, वो अनजाने में टच करना, आप भाप जाओगे। लेकिन अगर कोई जानबूझ के करे तो पहचान जाओगे, पहचान जाओगे ना? वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अच्छे स्पर्श के बारे में सबको पता चल गया ना? पैर छूना, हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, ये अच्छा स्पर्श होता है। तो बुरा स्पर्श क्या है, कुछ आइडिया है? मैं बताऊं? घुसंड मारना। नहीं नहीं, थप्पड़ मारना। नहीं नहीं, ये बुरा स्पर्श नहीं है, ये तो वायलेंस स्पर्श है। बुरा स्पर्श होता है जब आपके ओंठों को, कौन? ओंठों को, छाती को, जांग या जांग के बीच में, या आपके पृष्ठों को कोई छूता है, तो ये क्या कहलाता है? बैड टच। क्या कहलाता है? बैड टच। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसे हम किसी को दिखाते नहीं और किसी को इजाजत नहीं देते। क्यों? जब हम कपड़े पहनते हैं तो ये हाथ मेरे दिख रहे हैं, मेरी गर्दन दिख रही है, क्या इसको दिखाने में हमें शर्म आती है? नहीं आती है ना? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमें जब अपनी गर्दन और हाथ दिखाते हैं तो क्या हमें शर्म आती है क्या? क्योंकि ये दिन भर हमारा खुला रहता है, ये हमें हेल्प करती है। लेकिन जब हम नहाने जाते हैं तो हम कुछ शरीर के अंग को छुपा के रखते हैं। हम नहाते वक्त भी उसको नहीं दिखाते, देखो सामने देखो सर, कपड़े बदलते वक्त भी नहीं दिखाते और लाइट ऑफ करके रखते। वो कौन से है? जब हम नहाते हैं, जब हम नहाते हैं तो हम क्या पहन के रखते हैं? हम लोग एक अंडर गार्मेंट पहन के रखते हैं जिसे चड्डी बोलते हैं, या फिर हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम समझते हो ना, या हम बनियान पहन के रखते हैं। लड़कियों में दो कपड़े रहते हैं और लड़के एक कपड़े पहनते हैं, वो नहाते वक्त भी हम नहीं उतारते। ये हमारे कौन से अंग होते हैं? ये हमारे सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं? और कोई भी इन चार चीजों को दूर दूर है ना, बाबू इधर आओ, आप आओ, नहीं नहीं आप मेरे पास, इनके लिए ताली बजाओ। ये बाबू को देख रहे हो, इधर आओ बाबू, ऐसे खड़े रहो। ये बाबू ने बनियान पहना है ना, और जब बाबू नहाने जाएगा तो पैंट उतार के अंडरवेयर पहन के रखेगा, राइट? और नहाते वक्त क्यों उतार देगा, लेकिन अंडरवेयर क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई बिना परमिशन के इसके पार्ट्स को देखे। हम लोग खेल खेल में कई बार ओंठों को छुए, छाती को छुए, या जांघों को छुए, या जांघ के पीछे छुए। जब भी कोई छुए तो उसको क्या बोले? ये बुरा स्पर्श है और हमें पसंद नहीं है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक आदमी आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, आपको भी बुलाएंगे। जब भी तो जब भी कोई ऐसा स्पर्श करे तो उसे क्या बोलेंगे? पेन मिलेगी। चलो बेटा जाओ जाओ जाओ।
जब भी कोई ऐसे छुए तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बुरा टच। और उसे बोलेंगे मुझे पसंद नहीं, मुझे ऐसे मत छुओ। और तुरंत जाके किसको बताएंगे? किसको बताएंगे? वेरी गुड। अगर कोई जबरदस्ती बोले, बोले बेटा मैं आपको मनपसंद चीज दूंगा, क्या दूंगा? और किसी को बताना मत, और वो आपको पकड़े तो क्या करना है? तुरंत वहां से छोड़ना है और भागके कहां जाना है? या फिर जोर से चिल्लाना नहीं, क्या चिल्लाना है? अगर कोई जबरदस्ती बोले नहीं तो क्या जोर से चिल्लाओगे? क्या जोर से चिल्लाओ? एक बार और, और जोर से। वेरी गुड। हमें क्या बोलना है? हाँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे मत छुओ। ठीक है, अभी देखो मैं ना बाबू को छूता हूँ, आप मुझे बताना क्या चीज अच्छा स्पर्श है और क्या चीज बुरा स्पर्श है। बाबू इधर आओ जरा। अगर मैं बाबू को शेक हैंड करता, बाबू शेक हैंड करो, हाथ मिलाओ उस हाथ से। वेरी गुड, शेक हैंड। अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? बाबू को खुशी हुई? अगर मैं बाबू को पीठ थपाता हूँ, शाबाश बाबू तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो ये अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? अगर मैं बाबू के कान पकड़ता हूँ, तुम बहुत बदमाश हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, ये अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? नहीं, ये अच्छा स्पर्श है, कान छुआ है ना, इसमें कोई बुरी नीयत नहीं है। अगर मैं बच्चे को पेट पे ऐसे छूता हूँ तो अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श? क्या है? वेरी गुड, बुरा स्पर्श। अगर मैं इसकी छाती को छूता हूँ तो बुरा स्पर्श। अगर ओठो को छूता हो तो बुरा स्पर्श। अगर इसकी थाइस को छूता हो तो राइट टच, बुरा स्पर्श। क्या है? बुरा स्पर्श। वेरी गुड। बाबू जरा घूमो, घूम जाओ कुछ। अगर अरे नहीं जाना नहीं है, आप बिजली रहो। अगर मैं इनके बैक को छूता हो तो बुरा स्पर्श। और इनको क्या बोलना चाहिए? मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है। और अगर फिर भी ना माने तो तुरंत छूने के बावजूद भी मम्मी पापा को जाना, पहली बार छुए या आखिरी बार छुए, हमेशा किसको बताना है? मम्मी पापा। कि उसने मुझे बुरा स्पर्श। और कौन है वो? दोस्त भी नहीं हो सकता, भाई भी नहीं हो सकता, कोई भी हमें नहीं छू सकता। कौन छू सकता है? कौन? और डॉक्टर जब बीमार हो सकते हैं। आप किसके गोद में जा सकते हो और किसके पैरों पे बैठ सकते हो? कई बार आते हैं ना, बड़ा प्यारा सा बच्चा इसको गोद में ले लेते हैं, उठा के गोद में उठा लेंगे, कई लोग उठा लेते हैं ना प्यार में, तो उस टाइम क्या बोलना है? मुझे पसंद नहीं, मुझे उतार दीजिए। क्या बोलेंगे? लेकिन कौन लोग गोद में हमें उठा सकते हैं? और दादा दादी। वेरी गुड, मम्मी पापा या ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अगर कोई गांव घर पे आए और चारपाई पे बैठा रहे या सोफा पे बैठा रहे या चेयर पे बैठा रहे, वो कई बार जांघों पे लाके बैठा लेते, तो क्या बैठना चाहिए उनकी गोद में? नहीं, नहीं? पक्का? हाँ। और कई बार गाड़ी भरी रहती है, उसमें भी लोग बैठा लेते हैं अपने पैरों पे, ऐसे में किसके पास बैठना चाहिए? मम्मी पापा या दादा दादी। और किसी के पास नहीं बैठना चाहिए, गाड़ी भरी है तो जाने दो, हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। ठीक है, ये पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जब भी आप घर में रहेंगे तो आप किसकी नजर में रहेंगे? हाँ। और कहीं भी जाओगे, खेत खलियान में, जैसे आप खेतों में काम कर रहे हैं, दूर दूर जाते हैं, तो मम्मी पापा को बता के जाना है कि हम मम्मी पापा को कि हम इधर फला खेत में जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, फला आदमी के साथ जा रहे हैं, बताओगे? वेरी गुड। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और किसी ने बोला जल्दी से आओ मैं तुम्हें टॉफी देता हूँ, या फिर आपका मन पसंद खाने वाली चीज देता हूँ, तो क्या उसे लेना चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं बात? हाथ ऊपर करो। वाह शाबाश, सारे बच्चे अच्छे, ताली बजाओ। उससे हमें सामान नहीं लेना है, और हमें उल्टे पैर कहाँ भागना है? घर की तरफ। किधर? और साथ में क्या चिल्लाना है? अगर वो जबरदस्ती बोले नहीं आओ मैं तुमको देता हूँ पकड़ लू, तब क्या करोगे? तो भागना है। और भागते वक्त क्या बोल रहा है? बचाओ बचाओ। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों बचाओ बचाओ बोलोगे? ताकि लोगों को पता चले कि आप मुसीबत में हो, अदरवाइज क्या होता है कि आप तो दिन भर भागते रहते हो, बोलेंगे आज भी भाग ही रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, जब मुसीबत
मुसीबत आए तो क्या बोलना है? जोर से बोलो, वेरी गुड। अभी ये गांव इतना बड़ा है, घर इतना बड़ा है, कोई छुपन छुपाई खेलता होगा? कितने लोग छुपन छुपाई खेलते हैं? ठीक है, वेरी गुड। और ये छुपन छुपाई के गेम में अगर कोई आपको बुरा स्पर्श करे तो? वेरी गुड, ताली बजाओ। आपको तुरंत जाके मम्मी पापा को बताना है कि इसने मेरे साथ बुरा स्पर्श, आपस में भी भाई बहन किसी को भी बुरा और अच्छा स्पर्श। चलो बैठ जाओ। अब ये तो हो गया अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श और किसको बताना है। अब मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और वहां पे कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बैठा ले, तब क्या करोगे? कैसे चलाओगे और कैसे भागोगे? वेरी गुड। जितना तेज हो सके पहली कोशिश करना हमें भागना है। कितनी तेज? ऐसे जैसे पागल कुत्ता पीछे पड़े। और साथ में क्या चिल्लाना है? या फिर नियर बाय जो भी बड़ा आदमी रहे, नहीं बेटा नहीं, बुरा स्पर्श मत करो, नहीं नहीं बाद में, नहीं नहीं मारना वरना नहीं है, मेरी बात सुनो इधर, मारना वरना नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हो ना। अरे मार नहीं रहा है वो आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श मत करो, बुरा स्पर्श है ना। अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे और भागने की कोशिश करे पकड़ के गाड़ी वाड़ी में, तो क्या करना है मालूम है? पहला काम है भागना। लेकिन अगर भागने में असमर्थ रहे, भाग नहीं पाए, तो एक टेक्निक बताऊंगा, आखिरी टेक्निक है अकड़ पकड़। क्या है अकड़ पकड़? अकड़ पकड़ कौन करेगा? कौन पकड़ेगा यहाँ पे सबसे पहला? आ जाओ आप, आ जाओ, ये लड़का अच्छा लग रहा है ना, आप करोगे? आप करोगे? आ जाओ। क्यों वॉलंटियर? वॉलंटियर समझते हो? स्व इच्छा से अपने आप को बोलना बहुत बड़ी बात है। इस बाबू को पहले ताली बजाएं। देखो ये टेक्निक कैसे है, ऐसे काम करती है। हमें कैसे पकड़ना मालूम है? ऐसे पकड़ना है, दोनों पैरों से पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाना, यहाँ पे कोई भी एक पैर पकड़ के उसके जैसी मौका मिले पहली नजर में ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाना है, बैठ के अपनी गर्दन ऐसे करके चिल्लाना क्या है? वेरी गुड, बचाओ बचाओ। चलो ये कोशिश करो, आ जाओ, ये कोई भी एक पैर पकड़ लो झटक से, पकड़ के तेज पकड़ो, तेज जल्दी से अपना पकड़ो उनका। नहीं नहीं समझो मैं बदमाश हूँ, ये लगता है बाबू समझा नहीं। मान लो मैं बदमाश हूँ, मैंने आपको बोला चलो मुझे पकड़ना है, तुमको पकड़ के लेके जाने लगा, तो क्या करोगे? पकड़ो गोड़ पकड़ कर छान लो, बचाओ तुरंत, मौका देखते ही अगर भाग नहीं पाए तो इधर बैठो, पैर पर छूते हो, जोर से बोलो, और अगर कोई छाती को छुए तो जांघों, जांघों और जांघों के बीच में छुए तो, अगर आपके पुश को छुए तो, वेरी गुड। और उसको क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पसंद। और किसको बताओगे? मम्मी कब बताओगे? कब बताओगे? तुरंत तुरंत। क्या बताएंगे? और अगर कोई बोले चलो हम एक गोपनीय गेम खेलते हैं जिसमें हम किसी के साथ कुछ बताएंगे नहीं, तब क्या करना है? तब तुरंत और पक्का बताना है। क्यों? मम्मी पापा के साथ कोई सीक्रेट गेम नहीं है। अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का इतना ही था, बाकी थोड़ी सी बात आपको हमारे देवेश शरण पांडे जी करेंगे। और ये एमटेक है, क्या है? एमटेक इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और मेरे बारे में क्या जाने? मैं राकेश कुमार पांडे हूँ और मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, हवाई जहाज का इंजीनियर, लेकिन इसके साथ में मनोवैज्ञानिक भी हूँ। मैं आप लोगों से बातें कर रहा था, अच्छी लगी बात? कुछ नया जानने को मिला? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. इसको रोज एक्सरसाइज करोगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ सर, अब सर आपसे आज कुछ बात करेंगे ना। बच्चों कैसा लगा सर ने आपके साथ बात किया? देखा ताली बजाए बच्चों के लिए।
के बारे में थोड़ा जानेंगे, नीत सांस ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अच्छा और बुरा, नीत सांस तो होता है कि जो अच्छा और बुरा के बीच में भेद को बता सके उसे नीत सांस कहते हैं। जो अच्छा और बुरा के बीच में भेद को बता सके उसको नीत सांस बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एथिक्स और मोरालिटी, ठीक। तो आप लोग जानते हैं अच्छा क्या है और क्या बुरा, ठीक है। जैसे मैं किसी बच्चे को कहूँ, आप बेटा तो आप आओ, इस बच्चे को कहूँ कि जाओ अपने दोस्त का क्या नाम छोटे वाले शिवम, शिवम को जाओ तो थप्पड़ मार के आओ, तो क्या करोगे आप? नहीं मार, क्योंकि ये बुरा, क्योंकि ये काम गलत है, ठीक है। आपको गलत काम, अगर मैं कहूँ कि आओ तो चाचा कहीं से आए हैं उनका पैर छूट गया, तो क्या करोगे? अच्छा काम, ठीक है, ये अच्छा काम, ठीक है। इसी प्रकार कोई वृद्ध आदमी आपके यहाँ आया है, ठीक, कहते हैं जाओ उसको पानी दे दो, क्या करोगे आप तुरंत उसको पानी देने जाओगे कि क्या काम है? अच्छा काम, ठीक है। जो अच्छा काम है उसको उसको हमको तुरंत करना है, बुरा काम को नहीं करना, उसको हटाना है हमको, अच्छे काम को अपनाना है, बुरे काम को भगाना है। ये होगा एथिक्स मोरलिटी इन साफ। जब ये अकेले आदमी को ये होता है तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोरलिटी, ठीक। ये अकेला आदमी भी गलत कर सकता है, या कोई सब लोग ग्रुप में मिलकर भी कोई गलत काम कर सकते हैं, ठीक। जैसे ये अकेले अपने आप में, ठीक, ये बच्चा अपने आप में अकेले सोचता है कि मैं अपने दोस्त को छोटे लाओ एक थप्पड़ मार देते हैं, गलत है, इसके लिए इंडिविजुअल के लिए गलत है। लेकिन आप सब लोग ग्रुप बना करके, ठीक, आप सब लोग ग्रुप बना करके सोचो कि चलो किसी गेहूं में आग लगा दिया जाए, ठीक। आप सब लोग पूरे ग्रुप सब बच्चे मिल करके सोचो कि किसी गेहूं में आग लगा दिया जाए, तो ये गलत है, ये पूरे ग्रुप का काम है, पूरे ग्रुप का गलत है, ये पूरे ग्रुप का काम गलत है, इसको हमको नहीं करना है। हमको जो अच्छा है उसको करना है। जैसे जो भी सब लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमको उसको शेयर करना है, ठीक। तो गलत है उसको नहीं, ये सब लोग ग्रुप बना के करना कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको हमको पढ़ाना है, या उनके पढ़ाई पर ध्यान देना है, या जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बड़े हैं उनका पैर छूना है, ठीक। जब भी हमको मिले उनका पैर छूना, हमको ये हैबिट में अपनाना है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी बड़े मिले उनका हमको पैर छूना है, या जब भी कोई सर, जैसे सर ने अभी आपको सिखाया कुछ, तो उनको क्या बोलना था आपको? थैंक यू, ठीक, या हिंदी में धन्यवाद। जब कोई अच्छा काम करे तो उसको थैंक यू या धन्यवाद करना है, तो आपको सबको बताना है, ठीक, अकेले भी करना है, सबको बताना भी है, तो क्या होगा? ये एथिक्स होगा, मतलब पूरे ग्रुप का, ग्रुप के लिए अच्छा काम होगा, पूरे ग्रुप के लिए नीत सांस है, ठीक। इसी प्रकार आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मान लो इस बच्चे को आपके पिताजी, ठीक, आपका दोस्त कहता है कि जाओ हमारे चाचा घर में 100 रुपया रखा हुआ है, जाओ चुरा लाओ, तो क्या करोगे आप? नहीं चुराओगे ना, ठीक है। ये बच्चा ईमानदार है, ठीक, बच्चा इसके पास ऑनेस्टी है, उसके साथ साथ इंटीग्रिटी भी है, ठीक। ये सोच रहा है कि हमको चोरी नहीं करना, या हमको ईमानदार रहना, ठीक। तो ईमानदारी मतलब जब कोई आप चीज़ सही है जो आपके दिमाग में उसको सोचें, ठीक है, जब कोई चीज़ सही है उसको सोचे तो ईमानदारी है। लेकिन उसको जो आप जो चीज़ आपने सोचा उसको करो भी तो इंटीग्रिटी हो जाता है, ठीक। जैसे बच्चा मान लो सोचता है कि हमको 4 घंटे कल पढ़ना है, ठीक है, ये सोचता है हमको 4 घंटे कल पढ़ना है, लेकिन पढ़ता है क्यों, कितने घंटे पढ़ते हो? जैसे आज आपने सोचा कि हमको कल 5 घंटे पढ़ना है, कितना पढ़ पाते हो? पूरा पढ़ लेते हो क्या? ठीक है, तो ये अगर 4 घंटा सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे और 4 घंटा पढ़ लिया, तो इनके अंदर ऑनेस्टी भी है और इंटीग्रिटी भी है। इनके ताली बजाओ सब लोग, इनके पास ऑनेस्टी भी है, इंटीग्रिटी भी, मतलब जो ये अच्छा चीज़ सोचते हैं वो करते भी हैं, ठीक। आप इसी प्रकार इसी में से कई कई बच्चे होंगे सोचते होंगे चलो हम कल 4 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो सुबह होता तो कह रहे हैं कि बहुत आलस लगे, चलो सो जाते हैं, आपका 1 घंटा सो जाए, चलो 1 घंटा और सो जाते होते हैं, ठीक, पढ़ने का सोच के लेकिन सो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं ना, 7 बजे उठे या 8 बजे उठे, ठीक, देर कर दे तो
वो उनके अंदर तो ऑनेस्टी तो है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है। तो आप लोग क्या करना बेटा, जो भी अच्छा है उसको अपनाना है, मतलब ऑनेस्ट भी रहना, ऑनेस्ट के साथ साथ इंटीग्रिटी भी लाना है, मतलब जो अच्छा है जैसे पैर छूना है तो आपको लगातार डेली छूना है, ठीक। जो भी है बड़ा था उनका पैर छूना, प्लस जो घर के आपके बड़े हैं उनका पैर सुबह उठ कर पैर छूना, ठीक है। इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि कोई काम किया कि किसी ने आपको कुछ दिया, ठीक, तो उसको क्या बोलना है, धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। ए बेटा खड़े हो, अगर आपको खड़े हो जाओ, इधर आओ, अगर सर ने आपको टॉफी दिया क्या बोलना है, आपको थैंक यू क्या बोलना है, सर ने आपको टॉफी अगर दिया या कुछ पढ़ाया तो क्या बोलना है, थैंक यू सर। या इंद्रेश चाचा आपके लिए कुछ लेके आए, मान लो किताब लेके आए या बिस्किट लेके आए, तो क्या बोलना है, थैंक यू भैया, थैंक यू सर, ठीक। तो इसी प्रकार से जो अच्छाई है उसको सोचना ही नहीं है मन में, उसको आपको अपनाना, यू हैव टू अडॉप्ट दैट गुड थिंग, ठीक है। बैठ जाओ, जो भी अच्छाई है आपको उसको अपनाना है, सोचना तो है ही है, मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ए पर्सन विद इंटीग्रिटी, आपको सोचना भी है और उसको एग्जीक्यूट भी करना, ठीक। आप लोग जैसे सब लोग सब बच्चे समाज का पार्ट हैं, ठीक, समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं बहुत सारी बुराइयाँ हैं, तो बच्चा एक जब घर में जन्म लेता तो कैसे कैसे सीखता है, सबसे पहले कहाँ आता है वो, अपने माँ के पास, उसके बाद में अपने घर वाले फैमिली के पास आता है, फिर स्कूल जाता है, फिर समाज के पास, फिर कुछ टीवी देख के सीखता है, ठीक। तो मतलब समाज में कई जगह से उसको सीखने मिलता है, तो समाज में अच्छाई भी है और बुराई भी है, ठीक। तो आपको बहुत सोच समझ के जो अच्छा चीज़ है उसको अपनाना है और जो बुरा चीज़ है उसको उसको अपनाना है या उसको अपनाना नहीं है, ठीक। जैसे अब ये समाज का प्रभाव जो है कैसे होता है, मतलब कई फैक्टर हैं, इसको कैसे कैसे आपको जो अच्छा चीज़ है उसको कैसे अपनाएंगे आप, ठीक, और बुरा चीज़ है कैसे उसको लगाएंगे आप, उसको कैसे अपनाएंगे नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ा पर्सन है, कोई बहुत बड़ा पोस्ट है या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है, जैसे DM साहब या CM साहब या इंजीनियर साहब या कोई भी, ठीक, कोई भी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन उसके हमको अच्छाइयों को अपनाना है, उसके अच्छाई जैसे वो मान लो ईमानदार है तो हमको भी ईमानदार बनना है, ठीक, या बच्चों की सहायता करता है या बुजुर्गों की सहायता करता है तो उसको हमको अपनाना है, ठीक। लेकिन अगर वो कोई चीज़ गलत करता है, चाहे जितना अच्छा पोस्ट पर हो उसको हमको फॉलो नहीं करना है, जैसे मान लीजिए वो करप्शन में फंस जाता है, कोई बड़ा आदमी या कोई अच्छे पोस्ट वाला आदमी करप्शन करता है या भ्रष्टाचार करता है तो उसको हमको अपनाना, उसको हमको नहीं अपनाना, ठीक। और अपने छोटे बच्चों, छोटे भाई को, छोटे बहन को ये सीख देना है कि हमको भ्रष्टाचार नहीं अपनाना या हमको कोई भी गलत काम नहीं करना। इसी प्रकार हम कोई भी चीज़, अगर कंसिस्टेंसी होता है, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी, मतलब कोई भी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, अगर जितना बार उसको करेंगे आप उतना ज़्यादा आपके अंदर आएगी, जितना ज़्यादा कोई चीज़ आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर आएगी। जैसे मान लो मैंने कहा थैंक यू बोलना सर को, ठीक, तो आप एक दिन बोल दिए तो भूल जाएंगे आप, मान लो हमने कहा कि आप सर को थैंक यू बोलिए, सर ने आपको पढ़ाया है, तो आज आप बोल दिए, रोज़ रोज़ नहीं बोलेंगे तो उसको आप भूल जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी मतलब जो अच्छा चीज़ है उसको आपको रोज़ रोज़ करना है, आपको रिपीट करना है, जैसे आपको पढ़ना 4 घंटे, आपको कुछ बनने के लिए क्या बनना चाहते हैं आप, बड़े हो आप क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप, कुछ होगा ना, जैसे मास्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक, कुछ सोचा होगा ना आपने, तो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना, मान लो 4 घंटा पढ़ना है तो आप 4 घंटा पढ़ना तो आप रिपीट करेंगे 4 घंटा रोज डेली, ठीक, तभी आप ठीक बन पाएंगे ना, तभी आप आपका एम पाएंगे आप। तो रिपीट का मतलब क्या, आप जब किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जो अच्छाई है उसको अपनाने में आपको आसानी होगी और बुराई उसको त्यागने में आसानी होगी। जैसे कोई बच्चा गाली देता किसी को, ठीक, तो गाली को हमको सीखना मतलब बार बार नहीं कहना है, जो अच्छा है उसको बार बार कहना, जो बुरा है उसको बार बार नहीं कहना, जैसे सर को प्रणाम करना, सर को थैंक यू बोलना, तो उसको हमको बार बार कहना, ठीक, और जो बुरा है उसको बार बार नहीं करना, ठीक है। इसी प्रकार से जो अच्छी चीज़ है उसको सीखने के लिए, जैसे समाज में
कोई चीज हमको अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो लगता तो है कि अच्छा है वो, लेकिन अच्छा जैसे आपके घर में बहुत बच्चे खाते होंगे चाउमीन मोमोज, कितने लोग खाते हैं चाउमीन मोमोज, चाउमीन मोमोज बर्गर है ना, अच्छा लगता हो खाने ना, सबको खाने में अच्छा लगता होगा, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा ठीक, तरह तरह की उसकी भी उससे हमको बीमारी हो जाएगी ठीक। मोमो चाउमीन बर्गर देख खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो जो आपको अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए उसको नहीं खाना ठीक। तो इसका ये मतलब है जो आपको पसंद हो अच्छा लगे देखने में उसको हमको नहीं करना है, जो आपके लिए वास्तव में अच्छा हो उसे करना है ठीक, ये होगा। और इसके अलावा होता है कंपैशन, मतलब दया, आप लोगों को दूसरे के प्रति दया भाव रखना है ठीक है। जैसे आपका मान लो बेटा उठो, आपका कोई फ्रेंड रास्ते में स्कूल जा रहे हैं आप ठीक, तो रास्ते स्कूल पढ़ते हैं ठीक, आप मान लो पढ़ते हैं 8 घंटा पढ़ते हैं और
8 घंटा पर डे पढ़ने के बाद में आप मान लो 50% पाते हैं, ठीक, आप मान लो 50% पाते हैं, आप सोचते थे कि हम 80% पाएंगे, ठीक। तो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, फांसी लगा लेते कि हमारा परसेंटेज कम आ गया, या कोई फेल हो गया तो फांसी लगा लेता। तो आप लोगों को ये सोचना है कि हम पूरा पढ़ेंगे, नंबर चाहे जितना है, नंबर से हमको कोई लेना देना, इसे बोलते हैं निष्काम कर्म, मतलब हमको फल से उसके जो कर्म कर रहे हैं उसके फल से हमको कोई मतलब, इससे क्या होगा, बहुत से जो फांसी लगा ले रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, वो रुक जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो पढ़ना है उसके भाव से पढ़ना है, या कोई काम करना है तो उसको निष्काम कर्म के भाव से करना है, ठीक है। ए बेटा उठो, आप लड़का उबर किस क्लास में पढ़ रहे हो, फोर्थ में, निष्काम कर्म के बारे में बता रहा था, क्या जानना आप, मतलब आपको जो पढ़ना है आपको सोचना नहीं है कि हमारा कितना नंबर आएगा, नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल मन लगा के पढ़ना है, जितना भी नंबर आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब कम नंबर आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, कोई गलत नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ सेशन को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, यहाँ पे जो अच्छे बच्चे थे सबको टॉफी मिलेगा, लेकिन जब ये टॉफी लोगे तो क्या बोलोगे, थैंक यू, क्या बोलोगे, थैंक यू। लेकिन सिर्फ टॉफी पे नहीं, घर जाने के बाद जब मम्मी आपको खाना देगी, पानी देगी, तो क्या बोलोगे, थैंक यू। और अगर भाई बहन दूसरे को मदद कर सके, जैसे घर में बाबू लोग जाते हैं तो दीदी लोग मदद करती है, थैंक यू, और पानी देती है तो क्या बोलोगे, थैंक यू। और अगर भाई बहन को मदद करता है तो, और अगर दादा दादी किसी की आपकी मदद करते हैं तो, सबको प्रणाम भी करना, जब कोई नया आदमी आएगा डेली सबको, और प्रणाम किसको करना है ये भी सुन लो, सिर्फ मम्मी पापा दादा दादी या घर में जो बड़े लोग हैं, और उसके बाद अगर कोई बाहर मिलता है जिसको आप वाकई गुरु मानते हो, क्या मानते हो, हर कोई गुरु नहीं होता है, जो वाकई गुरु है केवल उसी के, ठीक है बच्चों, कर सकते सबको ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलो, जो बड़ा है उसको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलो, जोर से बोलो, जो है अभी थैंक यू बोलो, क्या बोलो, थैंक यू, हाँ जो भी टॉफी लेंगे सब थैंक यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपको मिला ये बेटी को नहीं मिला, वेलकम वेलकम समझिए, वेलकम, थैंक यू बोला, वेलकम वेलकम, या फिर हिंदी में क्या बोलोगे थैंक यू को, धन्यवाद, सारे बच्चे इतने अच्छे, वेलकम 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 वेलकम, तो छोटे छोटे वेलकम 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 बेटा वेलकम, पापा में क्या, देखो कितने अच्छे बच्चे जिन्होंने मिल गया वो बता रहे, वेलकम 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 वेलकम, हां अभी मिलेगा आपको, नहीं मिला बेटा, वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलते रहो बेटा, सीख लो आ जाओ, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम, यहाँ पे सब दो बच्चे रह गए, वो आगे एक छोटे से बच्चे रह गए,